अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नोशी ब्यूटी एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो प्रोडक्ट शेयर करूंगी, उसे शेयर करने से पहले, उसे बताने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो वीडियो को, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वो लोग जो प्योर ऑयल लेना चाहते हैं और उन्हें मार्केट से जो है वो प्योर ऑयल नहीं मिल पाते, हालांकि हम लोग जितनी भी ट्राई कर लें लेकिन हमें नहीं इस बात पे यकीन आता कि जो हम मार्केट से ऑयल परचेज करते हैं वो बिल्कुल प्योर हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगी कि जिनसे आप लोगों को तमाम ऑयल, हर किस्म का ऑयल जो है वो प्योर मिलेगा विदाउट एनी फ्रेगरेंस। कोई भी उसमें एक्स्ट्रा फ्रेगरेंस नहीं ऐड की होगी। जो नेचुरल जो हर्ब्स की जो स्मेल होती है और उस ऑयली की जो स्मेल होती है, आपको वही स्मेल मिलेगी। और एक ही बार यूज़ करने से आप लोगों को रिज़ल्ट का पता चलेगा और वाकई लगाने से पता चलेगा कि ये जो है प्योर ऑयल है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ इनकी वेबसाइट के बारे में। जिस वेबसाइट के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो है रॉ ऑर्गेनिका। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे मेंशन हो रहा है रॉ ऑर्गेनिका मेड फ्रॉम फ्रेश एलोवेरा, ये इनका एलोवेरा ऑयल है। और ये रॉ ऑर्गेनिका एक वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पर इनका पेज है जहाँ से आप लोगों को ये ऑयल जो है वो आसानी से मिल सकेंगे। और ये खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं तमाम ऑयल्स को, हर किस्म का ऑयल इनके पास, हेयर के लिए, स्किन के लिए, बॉडी के लिए। इसके अलावा एसेंशियल ऑयल जैसे कि लेवेंडर ऑयल, रोजमेरी ऑयल और इस तरह के टी ट्री ऑयल, ये भी सारे आप लोगों को इनकी वेबसाइट से मिल जाएंगे। और इस बात की गारंटी है कि ये 100% प्योर ऑयल होंगे। तो मैंने कुछ अरसे पहले जो है इनकी वेबसाइट से ये ऑयल, तमाम ऑयल परचेज़ किए थे और यूज़ किए थे, इनको अपने हेयर पर यूज़ करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं भी प्योर ऑयल की तलाश में थी और मुझे मार्केट से जो है वो प्योर ऑयल बिल्कुल भी नहीं मिलते थे। और उन हालांकि जब मैं मार्केट से परचेज़ करती थी और जो इनकी वेबसाइट से ऑयल परचेज़ किए हैं, उनके कलर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप लोग ये ऑयल जो है मार्केट से भी लेके देखिएगा और इनकी वेबसाइट से भी परचेज़ करके देखिएगा तो आपको अंदाज़ा होगा इसकी स्मेल से और इसके कलर से, इसकी कंसिस्टेंसी से कि किस तरह ये ऑयल जो है चेंज हैं। तो ये जो सबसे पहले ऑयल जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये एलोवेरा ऑयल है। और एलोवेरा के जो हैं बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रीमियम क्वालिटी है, 120 ml की जो है ये बोतल है। और इसकी जो पैकेजिंग है वो आप लोग देख सकते हैं, सिंपल सी ये ट्यूब है प्लास्टिक की। और इसका जो है लिड ये भी काफ़ी अच्छे से मतलब बंद हो जाता है और ओपन भी हो जाता है, मतलब इसमें ऑयल के जो है लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, मतलब बिल्कुल ऑयल इसमें से निकलता नहीं है। तो ये ऑयल आप लोग देख सकते हैं, मैं इसको बिल्कुल कंप्लीट यूज़ कर चुकी हूँ और इस वक्त इस ये बोतल जो है बिल्कुल एम्प्टी है। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि ये बेस्ट है फॉर हेयर और 100% ओरिजिनल ये ऑयल है और नेचुरल ऑयल है। ये इनकी वेबसाइट के ऊपर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोग देख सकेंगे कि ये खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं तमाम, इन्होंने वीडियो भी शेयर की हुई है जिसमें ऑयल की एक्सट्रैक्शन हो रही है और ये लोग आप लोग तक जो है 100% प्योर ऑयल जो है वो पहुँचाते हैं। और ये जो ऑयल है इनके, ये ऑयल मैंने एलोवेरा ऑयल जो है ये यूज़ किया है हेयर के ऊपर, और मैंने ये ऑयल परचेज़ किए थे और इनको मिक्स करके मैं जो है अपने हेयर के ऊपर यूज़ करती थी। और वन वॉश के अंदर ही जब आप लोग यूज़ करते हैं और हेयर वॉश करने के बाद पता चलता है कि बाल इतने ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हो जाते हैं कि फर्स्ट वॉश से ही ये अंदाज़ा हो जाता है। और आप लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब आप लोग इसको यूज़ करेंगे, परचेज़ करेंगे, फिर आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा। दूसरा जो ऑयल है ये मेरे पास है कैस्टर ऑयल। अब मार्केट से जो मैं कैस्टर ऑयल परचेज़ करती थी, मुझे वो वाले ऑयल जो हैं हमेशा, कैस्टर ऑयल जो है वाइट और थिक कंसिस्टेंसी तो होती है कैस्टर ऑयल की, लेकिन वो वाइट कलर में होता था। लेकिन जो मैंने इनकी वेबसाइट से परचेज़ किया है तो इसका आप लोग कलर चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही डार्क ब्राउन सा कलर है जो कि अनब्लीच्ड है ये ऑयल है। और कैस्टर ऑयल ये बिल्कुल ही प्योर है, इसकी स्मेल भी बिल्कुल डिफरेंट है और ये बहुत ही थिक ऑयल है। और ये भी बेस्ट होता है फॉर स्किन के लिए और हेयर के लिए और ईट के लिए, मतलब खाने के लिए भी लोग इसको किसी चीज़ में यूज़ करते होंगे। और ये वाला आप लोग देख सकते हैं कैस्टर ऑयल अनब्लीच है, मतलब वो जो होता है हमारे पास मार्केट से मिला वो ब्लीच हुआ होता है और इसलिए वजह से उसका कलर बिल्कुल वाइट होता है। और ये इस बात की गारंटी है कि ये वाला ऑयल जो है
जो बिल्कुल प्योर ऑयल है, और ये भी मैं इतना यूज़ कर चुकी हूँ क्योंकि कैस्टर ऑयल जो है ये हमेशा बहुत ज़्यादा थिक होता है और ये बालों को चिपचिपा कर देता है, जिसकी वजह से किसी भी ऑयल के अंदर जब आप कैस्टर ऑयल को मिक्स करते हैं तो उसकी अगर 1 टेबल स्पून क्वांटिटी है तो इसको आपने 1/2 टेबल स्पून जो है वो रखना होता है, मतलब इसकी क्वांटिटी कम यूज़ होती है, जिसकी वजह से क्योंकि अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर ऑयल जो है ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। और ये आप आई लैशेज पर भी यूज़ कर सकते हैं, आई लैशेज थिक करने के लिए। आप लोगों को पता है कि कितना ये फेमस ऑयल है कि हमारी आई लैशेज को, हेयर को थिक बनाता है। तो मैंने इस तरह ये ऑयल परचेज़ किए थे, एलोवेरा के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट सुने थे, इस वजह से मैंने इन ऑयल को परचेज़ किया था। और ये ऑयल जो आप हैं फ्लैक्सीड ऑयल देख सकते हैं, ये भी कोल्ड प्रेस्ड है, अनरिफाइंड, मतलब ये बिल्कुल रॉ है। और फ्लैक्सीड के बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं हमारी स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए। तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बेनिफिट्स के बारे में अलग से बात करूँगी, क्योंकि अगर मैं आप इसके फ़ायदे बताऊँ तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन ये हेयर और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और इसकी जो जेल भी है वो भी, जब हम इसको पानी बॉयल करके फ्लैक्सीड थोड़ा सा डालते हैं और उसकी जेल निकलती है, जो हम अपनी स्किन पर लगाएं और हेयर पर लगाएं, तो हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की और शाइनी हो जाते हैं और हमारी स्किन भी इससे मतलब टाइट हो जाती है, यंग स्किन को ये बनाता है। तो इसको आप स्किन पर भी यूज़ कर सकते हैं, हेयर पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्वांटिटी भी 120 ml है। अच्छा, इनकी क्वांटिटी जो है वो आपको डिफरेंट मिल जाएगी इनकी वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ी पाउडर मंगवाना चाहते हैं तो वो भी इस जो है वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। वो आप लोगों ने खुद ऑप्शन चूज़ करना होता है कि हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए। अच्छा, इनका यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, व्हाट्सएप नंबर भी मेंशन किया हुआ है और इनकी इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे इनका पेज है रॉ ऑर्गेनिका के नाम से, जो कि आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को पेज जो है आसानी से मिल जाएगी। ये ऑयल भी मैं तकरीबन सारा ही यूज़ कर चुकी हूँ और मुझे इन ऑयल के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ये जो प्रोडक्ट है वो शेयर कर रही हूँ। और रॉ ऑर्गेनिका के ये मिक्स हेयर ऑयल है जो कि मैजिक है, गेम चेंजर ऑयल है फॉर योर हेयर। अगर आप लोगों को बालों के कोई भी मसाइल हैं तो आप लोग ये वाला ऑयल जो है ये यूज़ करें, मिक्स हेयर ऑयल है, मतलब इसमें इनके जो प्योर ऑयल हैं 9 different oil इसमें मिक्स किए हुए हैं, जिसमें आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल और बहुत सारे ऑयल हैं। अच्छा, इससे बड़ी बोतल भी आती है और 120 ml की ये बोतल है। तो यहाँ पर इसको यूज़ करने का तरीका बताया हुआ, तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, कलंजी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, तारामीरा ऑयल, आमला ऑयल, ब्लैक सेसमे ऑयल जिसे हम काले ब्लैक जो है तिल का तेल भी कहते हैं, उसके अलावा फ्लैक्सीड ऑयल और वाइटामिन ई ऑयल। तो इनके व्हाट्सएप नंबर से भी आप ये परचेस कर सकते हैं। ये मिक्स हेयर ऑयल है, इसमें 9 oils हैं और इसके अलावा डिफरेंट हर्ब्स हैं 12 तकरीबन, जो इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो उन्होंने हर्ब्स के नाम भी लिखे हुए हैं जो कि इस ऑयल के अंदर शामिल हैं। तो मैंने वो वाले ऑयल भी डिफरेंट यूज़ किए हैं और ये वाले मैंने मिक्स हेयर ऑयल, सबसे पहले मैंने ये परचेज़ किया था, इसको यूज़ किया था, मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले थे। फिर मैंने इनके डिफरेंट ऑयल ट्राई किए थे, उनको मिक्स करके लगाती थी। और ये हेयर ऑयल इतना अच्छा है, इसकी थोड़ी सी स्मेल ऐसी है जिस मतलब आप लोग यूज़ करेंगे तो जैसे हर्ब्स की स्मेल इसमें से आती है। इनको यूज़ किस तरह से करना है, सिर्फ 2 घंटे आपने अपने बालों में लगाना है, स्कैल्प पे अच्छी तरह से मसाज करने और उसके बाद आप वॉश कर सकते हैं। पूरी रात लगाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसकी थोड़ी सी स्मेल भी ऐसी है, इसको हम सारी रात लगा भी नहीं सकते। और वैसे भी कोई भी ऑयल हो तो 2 घंटे के लिए वो काफ़ी होता है लगाना। तो अच्छा, ये वाला जो ऑयल है इसके रिज़ल्ट इतने बेहतरीन थे कि इससे मेरा हेयर फॉल जो है बहुत अच्छे से कंट्रोल हो गया था और मेरे जो हेयर है उसकी लेंथ भी इंक्रीज़ हुई थी। और अब इनकी एक और ऑयल है जो मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, जो ऑयल में इस ऑयल में मज़ीद मिक्स करके लगाती थी। तो ये मतलब आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि ये प्योर ऑयल है और जो लोग इस तलाश में होते हैं कि हम लोगों को प्योर ऑयल मिले, तो वो जो हैं इनकी वेबसाइट से ऑयल परचेज एक बार लाजमी करें और ट्राई करें, तो आप लोगों को पता चलेगा कि इनकी जो क्वालिटी है वो किस तरह की है। तो इनकी जो प्राइस है वो डिफरेंट है, जब आप लोग मैं इनका जो है पेज मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग जो है इनकी वेबसाइट पे जाके इन ऑयल्स की जो है प्राइस वो डिफरेंट चेक कर सकते हैं। इसकी 860 प्राइस है और इनकी मतलब 750-650 इस रेंज में ही है ये तमाम ऑयल, क्योंकि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया इनको लिए हुए, इनको मैंने यूज़ भी कर चुकी हूँ, तो अब मुझे एग्जैक्ट जो है वो प्राइस याद नहीं है। तो आप लोग इनकी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं और ये सिर्फ आप लोगों को ऑनलाइन ही मिलेंगे इनकी वेबसाइट के ऊपर।
तो ये वीडियो, ये थी मेरी वीडियो और ये था मेरा आज के वीडियो का टॉपिक। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।